this deal is not binding on court. बात समझ रहे? जैसे कि अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं और अपने क्लाइंट जो कि अक्यूज्ड है उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो क्या आप एज ए डिफेंस काउंसिल अक्यूज्ड को कोई कमिटमेंट या गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि फाइनली तो कोर्ट डिसाइड. हम अपनी परफॉर्मेंस की गारंटी दे सकते हैं, बेस्ट फुट फॉरवर्ड की गारंटी दे सकते हैं, टू वर्क हार्ड ऑन द केस हम कमिटमेंट दे सकते हैं, पर जजमेंट की गारंटी तो नहीं दे सकते. सिमिलरली इन द प्ली बार्गेन द प्रोसिक्यूशन इज डीलिंग विद द अक्यूज्ड, बट दैट डील इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. प्रोसिक्यूशन अलॉन्ग विद द डिफेंस इज प्लेसिंग दिस फैक्ट बिफोर द कोर्ट कि हमारा प्ली बार्गेन हुआ है एंड ही इज एडमिटिंग, सो प्लीज बी लीनियंट एंड गिव अ सॉफ्टर, बट दैट इज ओनली अ प्रेयर. इट्स अप टू द कोर्ट, ठीक है? पर जनरली ऐसा होता नहीं. जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ही सॉफ्टर पनिशमेंट की बात करते हैं, सो कोर्ट ऑल्सो गिव्स, दैट इज वाई दिस प्ली बार्गेन कंसेप्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, चैप्टर 22. व्हाट इज चैप्टर 22? टर्न योर पेजेस. इस जो ऑलरेडी प्रिजन में है, कई बार आदमी के ऊपर एलिगेशन हुआ, वो अरेस्ट हुआ, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, तो वो प्रिजन में है, पर कोर्ट में मैटर तो चल रहा है, उसकी अपीयरेंस जरूरी है. ऐसे कोई केस आपको एग्जांपल याद आ रहे हैं जहां पर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में और आदमी डिटेंशन में है? कोई केस आपको अभी करंट, इतने आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ते आप? चिदंबरम. हाँ, चिदंबरम जी हैं, और भी बड़े बड़े महारथी हैं. हाँ, बहुत सारे मैटर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े आपको याद नहीं आ रहे? चिदंबरम जी हैं, इंद्राणी मुखर्जी हैं, राम रहीम है बाबा जी, आसाराम बाबा जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, केस चालू है, बहुत सारे हैं. तो ये प्रिजन में है ना, और इनको अगर कोर्ट में अपीयर करना है तो क्या पुलिस बोल सकते हो साहब वो तो अंदर ही है, अभी उनको कहाँ से लाएं? तो उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए. दैट इज चैप्टर 22, वेयर द कोर्ट कैन issue direction to the jail authorities to produce this person before the court. Aajkal technological advancement hone ke baad, information technology act aane ke baad, evidence act mein amendment hone ke baad, dreaded criminals ko travel nahi karaya jata court tak. Jail se court ke beech mein video conferencing करा के अटेंडेंस रिकॉर्ड करके अपीयरेंस और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है. तो जो पुरानी फिल्मों में आप देखते थे वो ऑप्शन ही चला गया, वो सीन बिल्कुल एकदम इररिलेवेंट हो गया. अच्छा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, जो फिल्मों में एस्केपिज्म दिखाते थे कि जेल से कोर्ट वैन में जा, वो वैन जंगल होके क्यों जाती थी, है ना? ऐसा कैसा कोर्ट और जेल के बीच का डिस्टेंस होता था कि उसमें बीच में जंगल जरूर आता था और उसमें अक्यूज के साथी कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा के बैठे रहते थे. उन्हें पता होता था कि इसी रूट से पुलिस आ रही है और यहाँ अड़ंगा लगेगा, फिर हम ऐसे छुड़ाएंगे. ऐसी बहुत सी फिल्मों में होता था. अभी वो सीन ही इररिलेवेंट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई. Dreaded criminals are not travelled from jail to court. अब कह दिया भाई रहो, हम यहीं से तुम्हारा सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं. हाँ,
So this is chapter 22. Then next chapter is chapter 23. Kya kehta hai chapter 23? Yes, Jyoti. Now, trial जो चार कैटेगरी के हमने देख लिए, उनमें होगा क्या? चाहे सेशंस हो, वारंट हो, समन्स हो, समरी हो, एविडेंस तो रिकॉर्ड होगा ना? चैप्टर 23 टॉक्स अबाउट एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल. And chapter 24 talks about general principles of inquiry and trial. Is that clear? 25 talks about provisions as to minor and lunatic persons. Lunatic means person who's not of stable mind, unsound mind. तो अनसाउंड माइंड के आदमी का भी तो ट्रायल हो सकता है. उसके प्रोविजंस. एंड इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड कोर्ट को यह भी प्रूव करना होता है कोर्ट के सामने कि वाकई ये अनसाउंड माइंड का है कि टेम्परेरली अनसाउंड माइंड का है कि परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है. क्योंकि कई बार लोग टेम्परेरली अनसाउंड माइंड के भी होते हैं. परमानेंटली दे आर एब्सोल्युटली ओके बट इन दैट फिट ऑफ रेज दे हैव कमिटेड द क्राइम. इन अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड लेटर दे आर रिपेंटिंग. तो उसके भी प्रोविजंस होते हैं. हाँ हाँ सब चैप्टर 24 में. अमित क्या कहना चाहते हैं आप? जितने तरह की अनसाउंडनेस है सब चैप्टर 24 में. एंड 25 ऑफ जस्टिस. सो 25 इज प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड. 26 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जहां पर कोर्ट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कई बार उसमें भी लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, कंटेम्प्ट कर देते हैं, कोर्ट के सामने बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो भी है वो भी कोर्ट चैप्टर 26 में देखता है. और ये सब करते करते फाइनली कहाँ पहुँच जाता है कोर्ट चैप्टर 27 में? जजमेंट. जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 27. ठीक है. तो हमारे ट्रायल चार में से किसी भी तरीके के हों उसमें चैप्टर 23, 24, 25, 26 ये अप्लाई होते हैं. चाहे वो सेशंस ट्रायल हो, वॉर्न ट्रायल हो, समन्स ट्रायल हो, समरी ट्रायल हो. चैप्टर 23 ऑनवर्ड्स एविडेंस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, जनरल प्रोविजंस, अनसाउंड माइंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये सब कवर होता है. और ये चार चैप्टर्स के बाद चैप्टर 27 में फाइनली जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. तो जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, क्या उसकी फॉर्मेटिंग होती है, दैट इज ऑल गिवन अंडर चैप्टर 27, राइट? देन कम्स 28 फॉर कंफर्मेशन. अगर जजमेंट डेथ सेंटेंस का हुआ है तो दैट इज सेंट टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन. हाई कोर्ट री एग्जामिन्स एंड द होल केस द ब्रीफ एंड नोबडी शैल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस
by a higher court because it's a very, very serious and grave action. So it needs re-examination and confirmation. When the higher judiciary also confirms that no, the person is actually guilty of such heinous crime that he must be hanged, that happens under chapter 28. ठीक है उसके बाद 29 talks about appeals. Judgment से अगर आप खुश नहीं हैं, you are aggrieved by the judgment that this judgment is not proper. तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में. और भारतवर्ष में एज ए फ्यूचर लॉयर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि यहां पर इनवेरिएबली सब लोग अपील करते हैं. कोई खुश नहीं होता जजमेंट से. जिसके खिलाफ जजमेंट गया वो कभी मानता ही नहीं. वैसे आप देखिए लोग कहते हैं कि देश में तीन लिम्स हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लोग कहते हैं सबसे ज्यादा भरोसा जुडिशरी पे है, पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी अच्छी है फिर भी. पर जैसे ही जजमेंट अगेंस्ट आ गया जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है. बिग गया जज सबसे पहला. इतनी जल्दी हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. हमारे खिलाफ दिया, हमारे खिलाफ बिग गया. हम कन्विंस हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं. या हम कहते हैं बेवकूफ है जज, इसको समझ ही नहीं आया. तो दो बड़े कॉमन रिएक्शंस होते हैं अगर जजमेंट आपके अगेंस्ट आया, या तो बेईमान है या बेवकूफ है. दोनों नहीं होता तो मेरे फेवर में देता, मेरे अगेंस्ट दिया. और जब वो इतने एग्रीव होकर अपने लॉयर के पास आता है, सर कैसे हो गया ये बताइए आप, है ना बेईमान या बेवकूफ, तो एज ए फ्यूचर लॉयर आप क्या करते हैं? बराबर बोला. चैप्टर 29 यूज करेंगे अपन. हम कभी नहीं बोलते कि हाँ बोल रहे हैं, ऐसे कभी होता है क्या?